दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश कर दी है, साथ में यहां पे डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी डिक्लेयर कर दी है, साथ में एजीएम के लिए जो एलिजिबल है उनके लिए कट ऑफ डेट भी डिक्लेयर कर दी है, कौन कौन इस ई वोटिंग का हिस्सा बन सकते हैं ये सारी बातें हमारे सामने आ चुकी है और कंपनी ने पिछले साल में कैसा प्रदर्शन किया उसकी सारी जानकारी दे दी है एक्सचेंज को। और इन सब बातों के बीच में अगर आप देखें तो ओएफएस के बारे में कोई फिलहाल खबर नहीं है और इसका मतलब ये है कि ओएफएस इस समय फिलहाल आने की संभावना नहीं है, आगे जाके एजीएम के दौरान इसके ऊपर कोई अनाउंसमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, उसको समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये सही मौका है आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करने का, क्या ये आने वाले समय हमें एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो इस समय लगभग 12:30 के आसपास का टाइम है, बीएसई सेंसेक्स 65,351 के स्तर पर जहाँ पे 131 पॉइंट की तेजी बनी हुई है, यानी 0.20% अपर है बीएसई सेंसेक्स, तो पॉजिटिव माहौल तो बना हुआ लेकिन कोई खास बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 9,415 के स्तर पर देख सकते हो कि 0.09% की मामूली सी तेजी है, तो ये आप समझ ही सकते हो कि कोई खास तेजी नहीं बन पा रही है। बीएससी फाइनेंशियल सर्विस आज काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। और आईआरएफसी की अगर हम बात करें, स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 48 पर, कल की क्लोजिंग 47.85 के आसपास थी और जो हाई है वो 48.15 का है लेकिन जो लो बना वो 47.70 का है, तो एक सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड करता हूँ आपको दिखाई देगा। इस समय 47.90 के आसपास है जहाँ पे 0.10% की तेजी बनी हुई है, तो कुल मिला के स्टॉक के अंदर अभी समय लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं और इस वजह से बड़ी खरीदारी भी नहीं हो पा रही है, आज वॉल्यूम काफ़ी कम है। पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी, 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी और आप देख सकते हो कि कल 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिले उठाई गई थी, लेकिन आज लगभग 12:30 के आसपास 1 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ है, तो वॉल्यूम काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। अब इसके बीच में देखें तो कंपनी ने अपने एजीएम के लिए जो कट ऑफ डेट है वो भी दे दी है और साथ में डिविडेंड के लिए भी यहाँ पे डेट का ऐलान कर दिया है, कब तक डिविडेंड किसको किसको मिलेगा। तो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग यहाँ पे देख सकते हो कि 22 सितंबर को होने जा रही है, 3 बजे शाम को होगी। अब इसके लिए अगर आप देखें तो जो एलिजिबल है लोग, जो जो शेयर होल्डर जिन्होंने यहाँ पे शेयर खरीदे हैं, तो वो देख सकते हो कि जो डेट है वो आपको याद रखनी है 15 सितंबर 2023। तो 15 सितंबर के पहले पहले जिसके पास शेयर होंगे उनके डीमैट अकाउंट में वो एलिजिबल है, वो ई वोटिंग का हिस्सा बन सकते हैं, वो जो भी रेजोल्यूशन है उसके खिलाफ या उसके फेवर में अपना वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल जो भी शेयर होल्डर है इस समय शेयर की खरीदारी करेंगे वो 15 सितंबर तक वो सारे के सारे एलिजिबल है यहाँ पे। इसके अलावा देखें तो जो मेंबर्स और शेयर ट्रांसफर बुक्स है वो क्लोज हो जाएगी मंडे 18 सितंबर से, जो देख सकते हो कि 21 सितंबर तक बंद रहेगी 2023 तक। तो यहाँ पे जो ई वोटिंग के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि जो लाइन खुलेगी जिसमें जो भी शेयर होल्डर है जो 15 सितंबर के पहले जिन्होंने शेयर खरीदे हुए वो इस वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे, तो 19 सितंबर से देखें तो यहाँ पे आपको वोटिंग का अधिकार मिलेगा, सुबह 9 बजे से ये लाइन खुलेगी और आप देख सकते हो कि 21 सितंबर शाम 5 बजे तक आप वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है तो बिल्कुल आपको 21 सितंबर तक कंपनी के रिजर्वेशन के लिए फेवर में या उसके खिलाफ प्रस्ताव के तहत आप वोटिंग कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड डेट आ चुके हैं डिविडेंड के लिए, तो देख दो कि कंपनी ने यहाँ पे 15 सितंबर को यहाँ पे रिकॉर्ड डेट फाइनल कर ली है डिविडेंड के लिए, तो जो कंपनी ने पहले डिविडेंड का ऐलान किया था वो डिविडेंड अब कंपनी देगी, इसकी रिकॉर्ड डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो यहाँ पे जो कंपनी ने 70 पैसे का डिविडेंड का ऐलान किया था फाइनेंशियल 2022-23 के लिए, उसके लिए अब रिकॉर्ड डेट हमारे सामने आ चुके हैं 15 सितंबर और एजीएम होएगी, यानी आप देखें तो 22 सितंबर की एजीएम के बाद में 30 दिन के अंदर वो जो भी डिविडेंड के पैसे हैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल 2022-23 की यहाँ पे जो हेडलाइट पेश की उसमें आप देखें तो कंपनी का जो एबिटा है वो 23,795 करोड़ के आसपास रहा है, कंपनी का पीएटी अगर देखें तो आपको 6,337 करोड़ दिखाई देगा, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो 45,470 करोड़ का नेटवर्थ है। कंपनी के एयूएम की बात करें तो आपको यहाँ पे 4,66,938 करोड़ दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्रिशिल की तरफ से जो रेटिंग दी गई है इनके बोरोइंग के ऊपर वो
ट्रिपल ए स्टेबल की रेटिंग है। इकरा की बात करें, उन्होंने भी ट्रिपल ए स्टेबल की रेटिंग दी है और केयर की तरफ से भी जो रेटिंग मिली है वो ट्रिपल ए की, यानी बहुत ही बेहतर सबसे शानदार रेटिंग मिली है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपना विज़न पेश किया है जिसमें कंपनी आने वाले समय रेलवे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए अपनी तरफ से जितनी हो सके बेहतर सेवाएं देने की कोशिश करेंगे, उनको फंड प्रोवाइड करेगी जिससे रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाए। अब अगर IRFC के मिशन की बात करें तो कंपनी का मिशन है कि इंडिया की टॉप सबसे फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बनना चाहती है, यानी इंडिया की नंबर वन। और देख सकते हो कि फंड रेज करके मार्केट से उसको देख सकते हो कि एक फेयर प्राइस पे वापस रेलवे को प्रोवाइड करना जिससे रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को आगे से बढ़ा पाए। तो ये मिशन है, यानी कंपनी इंडिया की लीडिंग कंपनी बनेगी फाइनेंशियल सेक्टर की, और ये आप समझ सकते हो ऐसे में इसकी जो प्राइस है वो कई गुना बढ़ सकती है। अब कंपनी के टोटल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से जो बोरोइंग की है उसकी अगर यहाँ पे अगर डिटेल देखें तो आप देख सकते हो कि 31 मार्च 2023 तक करीब 184,531 करोड़ का टोटल बोरोइंग है, जिसमें डोमेस्टिक बॉन्ड्स के माध्यम से करीब यहाँ पर देख सकते हो कि 159,041 करोड़ का इन्होंने फंड रेज किया। इसके अलावा देखें तो करीब 16,422 करोड़ की इन्होंने ग्रीन बोरोइंग की है। इसके अलावा देखें तो SEC बुक के माध्यम से 4,768 करोड़ की बोरोइंग है, और एक्सटर्नल देखें तो कमर्शियल बोरोइंग देखें तो 71,738 करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पे टोटल जो बोरोइंग 31 मार्च 2023 उसमें 45.17% जो बॉन्ड्स के माध्यम से इन्होंने फंड रेज किया है, 33.47% टर्म लोन है, और देख सकते हो कि 0.31% शॉर्ट टर्म लोन है, और 16.87% ECB है, और 4.18% NSSF है। अब कंपनी के टोटल इनकम की बात करें फाइनेंशियल 2022 में देख सकते हो कि 13,421 करोड़ के आसपास थी, जो लगातार बढ़ते हुए फाइनेंशियल 2023 में करीब 23,932 करोड़ तक पहुंच गई है, लगातार बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो देख सकते हो कि फाइनेंशियल 2022 में 30,300 करोड़ के आसपास था, जो फाइनेंशियल 2023 में बढ़ के 45,470 करोड़ तक पहुँचा है। अब कंपनी ने अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो यहाँ पे आप देखें तो जो फंड की जो इस्तेमाल किया उसमें देखें तो 91.31 करोड़ यहाँ पे देखें तो रिक्वायर्ड स्पेंडिंग इन फाइनेंशियल 2023। इसके अलावा 30.31 करोड़ जो है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया PM केयर फंड में, 59 करोड़ की अगर देखें तो डिसबर्समेंट है टोटल इसके बिल्स और क्लेम के माध्यम से, और 91.31 करोड़ की अगर अमाउंट देखें तो ये टोटल इनके अप्रूवल प्रोजेक्ट है, और 1 करोड़ इनका जो है देख सकते हो क्लीन ग्रीन फंड के माध्यम से इन्होंने फंडिंग की है। अब यहाँ पे जो AGM होगी आप देख सकते हो 22 सितंबर को, इसमें सबसे पहले तो जो क्वार्टर वन का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उस रिजल्ट को भारी प्रस्ताव के माध्यम से पास करवाया जाएगा। इसके अलावा जो नंबर टू जो कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया उस डिविडेंड की जो रकम को शेयर होल्डर को ट्रांसफर करने के लिए उसकी रजामंदी ली जाएगी, यानी 0.80 पर शेयर डिविडेंड का ऐलान किया था कंपनी ने, वो आप देख सकते हो कि इसको भी देने के लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। इसके अलावा जो तीसरा रिजोल्यूशन है रीअपॉइंट होगी भास्कर चिरोड़िया की जो नॉमिनी डायरेक्टर है कंपनी के, इसको इस रिजोल्यूशन के माध्यम से पास किया जाएगा। तो ये कुछ बड़े प्रस्ताव है जो इस AGM के दौरान पास किए जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि कहीं पर OFS के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि फिलहाल अभी OFS आने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अब इसके अलावा देखें तो जो शेयर होल्डर जिनको डिविडेंड पहले ऑलरेडी मिला है, यानी जो डिक्लेयर किया कंपनी ने डिविडेंड जिसमें फाइनेंशियल 2022-21 में इंटरिम डिविडेंड, वो अगर उन्होंने क्लेम नहीं किया है तो देख सकते हो कि 19 अप्रैल 2028 को वो जो है फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद उनको ये डिविडेंड नहीं मिल पाएगा, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा IEPF फंड को। इसके अलावा फाइनेंशियल 2021-22 की बात करें इंटरिम डिविडेंड है उसके लिए जो डेट रखी गई है 5 जनवरी 2029। इसके अलावा देख सकते हो कि जो फाइनल डिविडेंड है 27 नवंबर 2029 को, और जो फाइनेंशियल 2022-23 का जो इंटरिम डिविडेंड है वो 14 जनवरी 2030 के बाद में उनको नहीं मिल पाएगा, वो सारा का सारा IEPF को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जिसने भी अगर फिजिकल रूप से शेयर लिए हुआ है और उनका ईमेल से लिंक नहीं है या फिर कोई KYC नहीं हुआ है तो वो जो डिविडेंड की रकम उनको नहीं मिल पाएगी, और इस अमाउंट के जो तारीख के पहले पहले उनको क्लेम कर लेना चाहिए ताकि वो रकम उनको मिल पाए। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आपके जो सवाल थे वो सारे जवाब मिल चुके हैं, कब डिविडेंड मिलेगा और साथ में AGM के अंदर क्या ऐलान होगा, और दूसरी बात यह है कि फिलहाल इसमें OFS की कोई खबर नहीं है, तो ऐसे में OFS आने की फिलहाल संभावना कम दिखती है, बाद में आ सकता है, OFS जरूर आएगा लेकिन थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।